हमने जो काम किए हैं उनको आधार बना के जाएंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो बुरे समय की यादें हैं वो याद दिलाएंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम है दीदी आपका? आज राम रतन जी और श्री राम रतन जी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों एवं भाइयों, थोड़ा समय का संकोच है इसलिए सबको संबोधित नहीं कर रही हूँ। हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम जब बनता है तो वो लखनऊ और दिल्ली में बनता है। हमने लिख रखा था कि ललितपुर से जयपुरा 10 किलोमीटर है और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब हमने अभी इनको सूचना दी है कि हम चले और हम 41 किलोमीटर हमारा मीटर बता रहा है, तो आप जल्दी जाना और मनु की सभा होनी है, इसलिए संबोधन सबको मैंने नहीं किया है। कारण है कि इसके बाद हमने गोरी जी की सभा करनी है। राम रतन जी के हाथ में नीचे इसलिए करवा दिए कि 5 साल हाथ जोड़ते रहेंगे तो चुनाव में हाथ जोड़ना ही नहीं पड़ता है, और इसलिए उनके बीच से सेवा करी है और आज तो मैं उनके लिए हाथ जोड़ूंगी। आप सबसे भाई बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे भाई राम रतन जी को भारी मारी से लेकर करके भेजना है। अभी मैं रास्ते में राम रतन जी से बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि दो बातें बहुत बड़े मुद्दे बन गए हैं, इसलिए जो अनुराग जी ने बोला उसके बाद मुझे तो अब उन विषयों पर बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र में जो विकास किया, हमारे प्रदेश में जो विकास किया उसको बहुत ठीक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे तो वो बातें कहनी है, एक तो अपनी बात बतानी है कि जब मैंने ये कहा कि 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मुझे गंगा जी के किनारे पैदल चलना, और ये तो नई बात नहीं थी, ये 2016 से ही मैं कहने लगी थी ललितपुर वालों को पता मीडिया बोल पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी की और अमित जी की इच्छा थी कि मैं वो कार्यकाल पूरा करूं मंत्रिमंडल के, इसलिए 2019 का चुनाव नहीं लड़के मैंने तय किया कि 13 अक्टूबर शरद पूर्णिमा थी 19 को मैं गंगोत्री से गंगा जी का कलश भर के चली और 370 किलोमीटर हम नीचे ऋषिकेश में आ गए और बहुत इतनी स्पीड में आए जबकि उसमें बहुत उतार चढ़ाव है गंगोत्री जाते हैं हमको हिमालय का पहले में पता है, और मैं 17 नवम्बर को एक दो दिन ज्यादा रुक करके एक दो जगह पे ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश से तो नीचे पूरा मैदान था, गंगा सागर तक कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन मुझे आज तक हमने जो काम किए हैं उनको आधार बना के जाएंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो बुरे समय की यादें हैं वो याद दिलाएंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम है दीदी आपका? आज राम रतन जी और अनुराग शर्मा जिंदाबाद 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 जय श्री राम वंदे मातरम। कोरोना का मजा नहीं आ रहा भाई। वंदे आज मेरा सौभाग्य है देवगढ़ की सबसे जयंती पुत्री आप सबकी और हम सभी की नेता सुश्री उमा भारती जी का आज बहुत धन्यवाद ललितपुर की धरती पे यखोरा में विशेष रूप से आगमन हुआ है, तो आज दीदी का बहुत बहुत नमन और प्रणाम। मंच पर आसीन श्रीमती कंचन जायसवाल जी, राजकुमार जैन जी जिलाध्यक्ष, हम सभी के नेता गंदर सिंह लोधी जी, मेरे भाई जी के सिंह जी, सबसे बड़े और वरिष्ठ भाजपा के नेता अशोक गोस्वामी जी, अकीम सिंह लोधी जी, प्रदीप चौबे जी, श्रीमती बबीता सहरिया जी, हरिराम राजपूत जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष अमरेश लोधी भैया, प्रीतम सिंह कुशवाहा जी, मेरे छोटे
अनुज गौरव गौतम जी, दिनेश गोस्वामी जी, सीताराम बापरे जी, बंसीधर बाबू जी, मनीष अग्रवाल जी, देवेंद्र गुरु भैया, राजेश चौरिया जी, संज्ञा जी, लक्ष्मी रावत जी और भी सारे वरिष्ठ नेताओं और सभी को नमस्कार, सबको भी और जो सामने बैठे मेरे सारे जयपुरा के मित्र आए हुए हैं और माता शक्ति आप सभी को नमस्कार और नमन और प्रणाम। आपको बस इतना ही बताने आए हैं, ये चुनाव जो है ये साधारण चुनाव नहीं है, ये 2014 से भी अलग है, 2017 से भी अलग है, 2019 से भी अलग है। ये चुनाव जो आप हमें लड़ने जा रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के धर्म और संस्कृति के लड़ाई का चुनाव है।